एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालक उगी समाज सेविका श्रीमती आशा वर्माने जी पिछले दिनी अपने स्वासां दी पूंजी नू खर्चदे होए परमात्मा दे चरणां विच जा बिराजे। उन्हां दी याद विच एक धार्मिक समागम दा आयोजन उन्हां दे समूह परिवार वल्लों जिन्हां विच नरेंद्र वर्माने, पूजा वर्माने, सुरिंदर वर्माने, मीनाक्षी वर्माने, सतीश वर्माने, निधि वर्माने, हरीश वर्माने, प्रिया वर्माने, राजेश वर्माने, सोनाक्षी वर्माने, सुनीता वर्माने, भरत बेदी, एकता कुणाल, विवेक, श्वेता, शालीन, कनव, चैतन्य, पारस, मानवी, रिधे, शहनाज, भव्य, तनिष्का, इताक्ष अते उना दे समूह परिवार वल्लों महाराजा पैलेस बंगा रोड फगवाड़ा विखे करवाया गया। श्रीमती आशा वर्माने जी दा जन्म पिता श्री हरी राम चावला जी दे घर माता श्रीमती मायावंती चावला जी दी कुखों पाकिस्तान विखे 4 सितंबर 1944 नूं होया। आप जी बचपन तो ही बहुत ही सुगड सियाने अते होनहार प्रतिभा दे मालिक सन। आप जी दा विआह श्री बलबीर चंद वर्माने जी हुणा नाल होया। व्याह उपरांत आप जी ने अपनी परिवारक जिम्मेदारियां नूं बखूबी निभाया। आप जी दे घर बेटियां नरेंद्र, सुरिंदर, सतीश, हरीश अते राजेश अते बेटी सुनीता ने जन्म लिया। आप जी ने अपने बच्चियां नूं खूब चंगे संस्कार दिते, पढ़ाया लिखाया अते समाज दे चंगे नागरिक बनाया। अज आप जी की बेटी सुनीता वर्मा ने श्री भरत बेदी जी हुणा नाल सुखी व्योता जीवन बतीत कर रहे हैं। अते आप जी दे पंजो बेटे श्री नरेंद्र वर्माने जी, सुरिंदर वर्माने जी, सतीश वर्माने जी, हरीश वर्माने जी अते राजेश वर्माने जी उगे बिजनेसमैन हन अते अपने माता जी अते अपने पिता जी दे नक्शे कदमां ते चल के उना दे नाम नूं चार चांद लगा रहे हन। श्रीमती आशा वर्माने जी परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। लोड़वंदां दी सहायता आप जी हमेशा ही तनो मनो अते तनो करिया करदे सन। आप जी बहुत ही मिठी बोली अते मिलापड़े सुभा दे मालिक सन। जो कोई भी एक बार आप जी नाल गल कर लैंदा तां आप जी दा ही होके रह जांदा सी। मौजूदा समय विच मिसिज आशा वर्माने जी दी फुलवाड़ी तनिष्का अते इताक्ष नाल महक रही है। आज समझो सिर्फ आए हैं इसलिए आए हैं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी है, उनकी अंतम अरदास कह लिए, अंतम क्रिया कह लो, कोई भी नाम दिया जा सकता है। आए आज इसलिए हैं कि हमने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी है। जितना भी समय है उस समय में हम ईश्वर का ध्यान करते हुए, परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हुए प्रार्थना करेंगे कि दिवंगत आत्मा को प्रभु अपने चरणों में निवास दे, पीछे परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, ये प्रार्थना करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शरीर चला गया, बॉडी चली गई, तन चला गया,
लेकिन जो बीच में था, सूक्ष्म में था, बहुत सूक्ष्म था, वो निकल गया, वो चला गया। क्योंकि उसी कारण हम बोलते हैं, उसी कारण हम हर एक्टिविटी करते हैं, पर जो वो निकल जाता है वो क्या है जो निकल गया, जिसके निकलने से जैसे हम लाइट का स्विच बंद कर दें तो लाइट बंद हो जाती है, रोशनी बंद हो जाती है। इसी तरह ये जीवन है, जब ये प्राण रूपी तेल खत्म हो गया, स्विच ऑफ हो गया, तो जिंदगी खत्म हो गई, शरीर चला गया। क्योंकि इसलिए इसमें एक दिन जाना है, तो शरीर चला गया, जो बीच में था सूक्ष्म में वो निकल गया, जो निकल गया वही परम तत्व का एक छोटा सा अणु के बराबर हिस्सा जो निकल गया वो चल गया।
पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है। असल में वो ही ठिकाना ये दुनिया है रैन बसेरा, असल में वो ही ठिकाना। सुन ए मुसाफिर तुझे एक दिन इसे छोड़ है जाना, पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना, पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना। चढ़ी धूप जो ढलते ढलते एक दिन ढल जाएगी, पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है। तोड़ के पिंजरा एक दिन पंछी, तोड़ के पिंजरा एक दिन पंछी, पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है, पंछी उड़ जाना है। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये 100 साल पुराना भजन बचपन से लेकर अखीर में समय तक। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रो। जीत लकड़ी मरते लकड़ी, संस्कार हमारे जुड़े हुए इस लकड़ी के साथ, पेड़ पौधों के साथ। ये हमारे सहायक हैं जिनको हमने काट डाला, ऑक्सीजन सिलेंडर में ढूंढते हैं। जब पेड़ ही काट दिए, पीपल का पेड़ था जिसे ब्रह्मा जी कहते हैं, वो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता था, इसलिए उसको देवता कहते हैं। जो देवता है
उसे ही देवता कहा जाता है। 24 घंटे वो ऑक्सीजन देता था, वो भी पेड़ काट दिए, मैंने देखा वो भी पेड़ काट दिए। तो जब पेड़ों की रक्षा नहीं करेंगे, हमारी सांसों की रक्षा कौन करेगा? ये ऑक्सीजन तो हमारे पेड़ों से मिलेगी ना। जीत लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया वालों तुम्हें बताएं ये जगवासा लकड़ी का, ये जगवासा लकड़ी का। चीख लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया वालों तुम्हें बताएं ये जगवासा लकड़ी का, ये जगवासा लकड़ी का। बच्चा 2-3 साल का हो गया, पकड़ पकड़ कर चलने लगा तू, पकड़ पकड़ कर चलने लगा तू, बना बठुआ लकड़ी का, गलियों में जब खेत निकला गुल्ली डंडा लकड़ी का, गलियों में जब खेत निकला गुल्ली डंडा लकड़ी का। चीख लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया वालों तुम्हें बताएं ये जगवासा लकड़ी का, ये जगवासा। जवान हो गया, माँ बाप ने शादी की सोची, हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, जब शादी होती है तो तब भी वेदी सजाई जाती है, और वेदी को हम लकड़ियों के माध्यम से ही उसको जलाते हैं, और यज्ञ भी करते हैं। बिजली से संस्कार होने लगे हैं, बड़े शहरों में बिजली से संस्कार होने लगे हैं, थोड़ा सा मिलता है, चाहे किस तरह भी हो, लेकिन जो हमारी परंपरा है, जो रीति है, जो रिवाज है, हमारे संस्कार जुड़े हैं, जैसे ब्याह शादी में लकड़ी का जलना, अब ये त्यौहार आ रहे हैं, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, लोहड़ी आ रही है, इसमें सारा इस्तेमाल लकड़ी का होता है, तो ये हमारे जीवन के साथ पेड़ पौधे जुड़े हुए हैं। पढ़ लिख कर जब शादी को निकला, पढ़ लिख कर जब शादी को निकला, गाड़ी का टेबल लकड़ी का, विवाह मंडप में वेदी बनी थी, खेल रचिया था लकड़ी का, विवाह मंडप में वेदी बनी थी, खेल रचिया था लकड़ी का। चीख लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया वालों तुम्हें बताएं ये जगवासा लकड़ी का, ये जगवासा लकड़ी का। अंतम क्रिया, प्राणी जल गया, प्राणी राख बन गया, विधि के मुताबिक हमारे एक क्रिया लकड़ी की जलने के बाद भी रह गया। दू दू करके चिता जली जब, दू दू करके चिता जली जब, चिना चोपड़ा लकड़ी का, बड़े पुत्र ने सिर में मारा तेरे झंडा लकड़ी का, बड़े पुत्र ने सिर में मारा तेरे झंडा लकड़ी का। चीत लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, दुनिया वालों तुम्हें बताएं ये जगवासा लकड़ी का, ये जगवासा लकड़ी का, ये जगवासा लकड़ी का, ये जगवासा लकड़ी का। माँ शब्द एक ऐसा शब्द है जिसमें सारा संसार समा जाता है, जिसमें सारा एक वट
वृक्ष की तरह ये माँ बाप का हमाम पे छाया रहती है। और जब तक ये बट वृक्ष रहते हैं हमारे घर में, कहते हैं कि बुजुर्ग जो होंगे ना, बुजुर्ग पंजाबी की कहावत है कि बुजुर्ग घर का ताला होंगे, कित भी चाहो तुम ताला लाने की लड़ नहीं पेगी, जिंदरा मारन की लड़ नहीं पेगी, बुजुर्ग घर का ताला। और माँ जो है, तीन शब्द हैं बहुत बड़े, एक है आत, आत माँ, हमारी आत्मा है माँ, इस आत्मा के पीछे कौन है, माँ, आत माँ। दूसरा है धर्मात, धर्म के पीछे जो संस्कार हमें माँ देती है, धर्मात माँ। सुप्रीम शब्द जो है परमात माँ, ये तीनों उसके। अकबर को कहने लगी माँ, अकबर माँ को कहने लगा माँ कुछ मांग ले, माँ कहने लगी बेटा मुझे खुशी है तो बादशाह मुझे, अब तुझसे कोई तवक्को नहीं है, कोई ख्वाहिश ही नहीं है। कहीं कहने लगा अकबर के माँ कुछ मांग, कहते माँ कहती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अकबर ने जिद की तो कहने लगी माँ कि रात को मेरे कक्ष में, मेरे कमरे में आ जाना सोने के लिए। माँ रात को जब कार्य निवृत्त होकर अकबर अपनी माँ के कमरे में गया, माँ ने बाल्टी पानी की लेकर उसके बिस्तर जहाँ उसने सोना था पहले गिरा रखी थी, कहने लगी अकबर वो तेरा बिस्तर है तू उस पर सो जा, ये मेरा बिस्तर मैं इस पर सो जाती हूँ। अब बिस्तर गीला, वक्त का राजा, बहुत बेचैनी महसूस कर रहा है अकबर। मैं कहने लगी तू सो क्यों नहीं रहा, कहता मां नींद नहीं आ रही। क्यों नींद नहीं आ रही, बिस्तर गीला है। कहती बस आधे घंटे में तुझे ये बिस्तर गीला लगने लगा, याद कर बचपन के वो दिन जब तू मल मूत्र करता था बिस्तर पे, मल मूत्र बिस्तर पे करता था, तुझे गीली जगह से उठाकर सूखी जगह पे सुखा सुलाती थी और सारी रात मैं गीली जगह पड़ी रहती थी। देने है तो मुझे वो दिन लौटा दो जो मैंने चाक चाक कर तुझे पाला है। माँ तो ऐसा वृक्ष है। अब हम चले गए माँ, उनको ढूंढेंगे, यहाँ माँ बात उनकी बातें करेंगे। माँ हमसे यहाँ बैठती थी, माँ हमारे साथ यहाँ खाना खाती थी, ये माँ ऐसे कहती थी बातें, ये वो बातें कहती थी। कहाँ हो तुम्हें तेरे दुलारे याद करते, ये टुकड़े जिगर के, पांचों पाए भाई बैठे हुए हैं, आंखों के तारे याद करते, कहाँ हो मां तुम्हें तेरे दुलारे याद करते, ये टुकड़े जिगर के आंखों के तारे याद करते, कहाँ हो मां। ऐ मां जहां में चल गया हमसे तुम्हारे प्यार का दामन, जहां में चल गया हमसे तुम्हारे प्यार का दामन, तुम्हें मायूस हाथों के इशारे याद करते, ये टुकड़े जिगर के आंखों के तारे याद करते, कहाँ हो तेरे दुलारे याद करते हैं, ये टुकड़े जिगर के आंखों के तारे याद करते।
बनी थी कल्प की छाया, हमारे वास्ते तुम तो बनी थी कल्प की छाया, दिए दिन रात जो तुमने सहारे, याद करते हैं ये टुकड़े जिगर के आंखों के तारे, याद करते हैं कहाँ हो मां। बंदा गोलियां खाता है ना, नींद आ जाए कि नींद आ जाए, लेकिन माँ का बाहों का झूला ऐसा होता है कि जब माँ लोरी सुनाती थी, लोरी सुनाती है, तब अचानक बंदे को नींद आ जाती है, नींद में सो जाता है। माँ के झूले में ताकत ही इतनी है, माँ के बाहों में गरिमा ही इतनी है कि उसमें नींद आ जाती है। कवे झूला कहावे गोद मखमल की, यहाँ हमने ये बचपन के दिन गुजारे, याद करते हैं ये टुकड़े जिगर के आंखों के तारे, याद करते हैं कहाँ हो लगता है तू तो यही है, तू आस पास है, तू कहीं कहीं है, क्योंकि तेरा जो ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद हैं, हमेशा मेरे साथ हमारे साथ रहने वाली हैं, तू तो कहीं गई नहीं। यहाँ भी तू छुपी है माँ, वहाँ से लौट के आज, जहाँ भी तू छुपी है माँ, वहाँ से लौट के आजा, बिछड़ जाती है माँ जिंदगी, बिछड़ जाती है माँ जिंदगी, वो सारे याद करते हैं ये टुकड़े जिगर के आंखों के तारे, याद करते हैं कहाँ हो तेरे दुलारे, याद करते हैं ये टुकड़े जिगर के आंखों के तारे, याद। हम समझते हैं माँ, पता भी है, लेकिन क्या करें, ये दिल की बिरहाई ऐसी है, एक अंदरों का प्रेम या अंदरों का रिश्ता है, अंदरों के रिश्ते से जुड़े हुए हैं, ये कठिन लग रहा है। समझते हैं गया प्राणी कभी वापिस आता है, समझते हैं गया प्राणी कभी वापिस आता है, पथिक हम क्या करें ममता के मारे, याद करते हैं ये टुकड़े जिगर के आंखों के तारे, याद करते हैं कहाँ हो परिवार। एक ऐसा खूबसूरत ये गुलदस्ता इस समाज के अंदर था, जिसकी सुगंधी खुशबू जो है यत्र तत्र सर्वत्र फैली हुई थी।
जो भी इस परिवार के संपर्क में आता था वो इसी परिवार का होकर रह जाता था। इस परिवार की ये एक विशेषता थी। मुझे स्मरण हो रहा है मेरे भाई श्री बलबीर जी, और उन्होंने अपने परिवार को किस प्रकार से बनाया उसके पीछे सारा फगवाड़ा जानता है। मेरी बात नहीं है कि इस आज ये जो ब्रह्मानी परिवार एक शिखर पर हमको नजर आ रहा है उसके पीछे सारे का सारा श्रेय जो है वो मेरी बहन आशा ब्रह्मानी जी को जाता है। मुझे याद है कि जब ये बहुत छोटा काम था, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये अभी इस अवस्था के अंतर नहीं थे, कोई बहुत संपन्नता नहीं थी, तो उस समय भी इनके मन में कभी कोई ऐसा हीन भावना नहीं आती थी कि हम गरीब हैं या कुछ। और आज ये परिवार एक ऐसे उन्नति के शिखर पर है, तो मैंने इनमें कभी भी वो अभिमान की एक झलक भी नहीं देखी। ये उस किसी भी परिवार की उन्नति का एक ये विशेष साधन होता है। तो श्री इस परिवार ने समाज के अंदर हर संस्था को, हर वर्ग को ये स्वीकार्य थे। श्री बलवीर ब्रह्मानी जी हमारी धार्मिक समिति, उसके आप हमारे प्रमुख और विशेष सदस्य थे और परिवार का ही अंग थे। और आज हम यहां पर, और मैं कल ही इस परिवार के साथ बैठा था तो मैं बात कर रहा था कि देखो कितना संपन्न परिवार, कितने बच्चे, कितने बलवीर जी के भाई बहने, कितना लंबा चौड़ा परिवार। लेकिन फगवाड़ा वासियों, आज वो एक अध्याय जो है वो समाप्त हो गया। आज वो अध्याय जो है वो पूरा हो गया। आज बलवीर जी का कोई भाई हमें नजर नहीं आता, बहन कुछ नहीं नजर आता। तो ये मैंने पहले कहा, ये भी यथार्थ है, इस सच्चाई को हमको स्वीकार करना चाहिए और अपना जीवन उसी के अनुसार ढालना चाहिए। ये एक विशेष बात है। मन के उद्गार हैं, जी तो चाहता है कि मैं बोलता जाऊं, क्योंकि ये कहानी खत्म होने वाली नहीं है। मेरे पास इतनी बड़ी कहानी है, लेकिन मेरी मर्यादा है। सारा फगवाड़ा जानता है कि मैं फगवाड़ा इस मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकता, इसलिए समय पर मुझे उसको समाप्त करना है। तो यहाँ पर बहुत से परिवार संस्थाओं ने हमें शोक संदेश भेजे हैं, जिसमें शिव शंकर निष्काम सेवा मंडल, आर्य समाज बंगा रोड फगवाड़ा, धार्मिक समिति फगवाड़ा, श्री इच्छा पूरण बालाजी परिवार सेवा संघ, आर्य समाज गौशाला रोड फगवाड़ा, आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फगवाड़ा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मेरा भाई बालिया जी यहाँ पर उपस्थित हैं, हिंदुस्तान वेलफेयर ब्लड डोनर्स क्लब, मेयर राजपूत सभा, भारत विकास परिषद फगवाड़ा, भारत विकास परिषद जिला कपूरथला, और बहुत से नगर पार्षद, मेरा भाई बेटा अनुराग है और ये सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री सनातन धर्म सभा रजिस्टर्ड फगवाड़ा, फेडरेशन ऑफ फगवाड़ा स्मॉल इंडस्ट्रीज, आरतिया एसोसिएशन, गुप्ता स्टील, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके बलवीर जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, श्री राम शरणम फगवाड़ा, राष्ट्रीय गौ सेवा संघ, राष्ट्रीय सिख संगत फगवाड़ा, जनरल समाज मंच, डीएवी कॉलेज जिसके श्री बलबीर ब्रह्मानी जी और उस कार्यकारिणी के विशेष सदस्य थे, सेवा भारती फगवाड़ा, ये सभी परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं।
और इसी प्रकार से रोटरी क्लब फगवाड़ा वो भी परिवार से संवेदना व्यक्त करता है। मैं सभी से एक क्षमा याचना जरूर करूंगा क्योंकि इतने शोक प्रस्ताव और भी हो सकते हैं, हो सकता है हम में से कोई आंखों से ओझल हो गया हो, तो मैं उनसे क्षमा चाहूंगा, वो आपके पास पहुंच जाए, परिवार को दे दिया गया है। और हमारे बीच में बहुत ही हमारे सम्मान के योग्य आदरणीय यहाँ के स्थानीय विधायक श्री धालीवाल जी, वो यहाँ पर विराजमान हैं। मेरे भाई श्री सरवण सिंह कुलार जी वो विशेष रूप से पद पर उपस्थित हैं, और हम सब फगवाड़ा के बहुत ही लोकप्रिय और सर्वप्रिय श्री बलजीत सिंह रघुहोत्रा जी वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी का परिवार धन्यवाद कर रहा है कि आपने इस समय इस परिवार को और आकर सांत्वना दी है। परिवार सभी फगवाड़ा के संस्थाओं का, शैक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त करता है कि आप सभी ने और यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में सरदार इकबाल सिंह जी और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के माननीय सदस्य उपस्थित हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। समय नहीं है इसलिए मैं सबसे परिवार की ओर से भी क्षमा चाहूंगा कि हो सकता है परिवार आपको उस प्रकार का मान सम्मान ना दे सका हो। अभी आरती होगी जो हमारी परंपरा है, यहाँ पर आरती होगी। और एक बात उससे पूर्व अवश्य कहूँगा कि बरवानी परिवार बड़ा सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में अग्रणी है, तो सुरेंद्र जी, नरेंद्र जी, हरेश जी, ये सभी ने मुझे विशेष रूप से कहा है कि परिवार समाज की सभी इन संस्थाएं जो समाज के अंदर जुड़ी हुई हैं उन सब के लिए जो भी सहायता है परिवार अवश्य देगा और वो उन संस्थाओं को पहुंचा दिया जाएगा। जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम सब कुछ है तेरा स्वामी, सब